नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सदाबहार पौधे, इसको सदा सुहागन पौधा या पुष्प भी कहा जाता है। ये पौधा अपने आप उगता है और इसके लंबे लंबे बीज के फली होते हैं, उसमें बीज होते हैं जो कि आपने देखा होगा, आपके घर के आसपास होगा, रोड साइड में भी उगाता है। और ये पौधा कभी ख़त्म नहीं होता, ये हमेशा रहता है और 12 महीने इसमें फूल लगते हैं। सबसे बड़ी खूबी ये है, इस पौधे के बारे में कहा जाता है, ये पौधा जिस घर में होता है, जिस स्थान पर होता है, वहाँ के वास्तु को समाप्त करता है। यहाँ तक कि इस पौधे के रहने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती, क्योंकि इस पौधे में वो गुण है। इसके पत्तियाँ जो है ना, हल्का तीतापन लिया हुआ होता है, आपने देखा होगा मुंह में कभी गया होगा तो, क्योंकि इसकी पत्तियाँ, इसके फूलों का बहुत महत्व है आयुर्वेद में भी, इसके जड़ का भी महत्व है। लेकिन अगर हम तंत्र शास्त्र की माने तो इस पौधे के पुष्प को राहु, केतु और शनि देव से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है इस पौधे के पुष्प अगर आप नियमित रूप से शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, शिव जी का अभिषेक करते हैं, तो आपका बिगड़ा हुआ राहु केतु शनि शांत रहता है। अगर आप हर शनिवार के दिन पीपल के नीचे इस पौधे के जो पुष्प हैं, सदाबहार के पुष्प, इसको आप अर्पित करना शुरू कर दें तो आपका शनि की ढैया या साढ़े साथी परेशान नहीं करती। वैसे तो इस फूल को आप कोई भी भगवान को चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद और बैंगनी दो तरह के कलर में आते हैं। वैसे तो इस पौधे के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये डायबिटीज़, हार्ट की परेशानी और पेट की समस्या से भी मुक्ति दिलाता है। हालांकि इसके आयुर्वेद में बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन बिना ज्योतिषीय सिर्फ सलाह लेकर आप इसको नहीं खा सकते। अब जब आप खाने के लिए जाएँ तो आयुर्वेद डॉक्टर से संपर्क करें, फिर आप इसको यूज करें। लेकिन अगर हम ज्योतिषी की बात करें, ये पौधा हमने टाइटल रखा है कि धन खींचने की चाबी है। आखिर कैसे? देखिए, इस पौधे के पुष्प अगर आप अपने पास रखते हैं या ये पौधा आपके घर में है तो आप बड़े भाग्यवान हैं। नहीं है तो मार्केट में मिल जाएगा, आप खरीद कर ले आए, एक पौधा घर में जरूर लगाएं। आप देखिएगा उस दिन से आपके घर की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी, आपके घर में एक पॉजिटिविटी आने लगेगी, घर के लोग खुश रहने लगेंगे, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है। मानो ये पहरा दे रहा है आपके ऊपर, कोई प्रहार न कर पाए किसी भी तरह का बुरी शक्ति। लेकिन इसके जो जड़ होते हैं ना, वो बड़े सुफल देते हैं। आप इसको किसी भी रविवार के दिन, गुरु पुष्य नक्षत्र हो या फिर रवि पुष्य नक्षत्र हो, तो इस पौधे की जड़ थोड़ा सा आप ले लें, ज़्यादा नहीं, पूरा पौधा मत उखाड़िएगा, मारना नहीं है पौधे को, थोड़ा सा कोड़ के ले लें, प्रणाम करके उनसे कहें हम चाहते हैं आप हमारे घर में अस्थाई रूप से विराजमान रहें। लेकर इसको अच्छे से साफ कर लें, गंगा जल से शुद्ध कर लें, और फिर थोड़ी सी इसके साथ हल्दी, थोड़ा सा एक गांठ हल्दी का, दो गांठ इसके साथ रखें और माँ लक्ष्मी को आप लाल कपड़े पर रखकर अर्पित कर दें। इसके बाद इसको आप माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें, धूप धूप दिखाकर इसको धन स्थान पर, आप कहीं भी, आप व्यवसायी हैं तो गले में भी रख सकते हैं, धन स्थान पर रख सकते हैं, बरकत होने लगेगी। तो सवाल है कि घर के किस दिशा में इस पौधे को लगाएं कि मान सम्मान बढ़े, यश बढ़े, धन बढ़े? घर के पूर्व दिशा में इस पौधे को लगाइए। आप छत पर भी गमले में लगा सकते हैं, बालकनी में लगा सकते हैं, लेकिन पूर्व दिशा में लगाएं तो यह ज़्यादा शुभ फल देता है और जल्दी फल देने लगता है। जिस तरह से ये हमेशा हरा भरा रहता है, हमेशा पुष्प देता है, उसी तरह इस जीवन में भी हमेशा ही खुशियाँ ही सिर्फ देता है ये पौधा, और आपसे लेगा कुछ नहीं, क्योंकि ये सिर्फ देने जानता है। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।